योरसेल्फ, सबसे पहले अपने आप के साथ सही हो जाओ, अपने आप के साथ होके हो जाओ कि मैं ये मटेरियल हूँ, मैं ये मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, ये मेरी संभावना है। उसके बाद दूसरों के का भी समझवाने लग जाएगा कि ये क्या मटेरियल है, दूसरे क्या है, उन्हें समझ गए। आप जब ये स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ये इस मटेरियल का है, तो उसके साथ आपका कॉन्ट्राडिक्शन नहीं रहता, एक विरोधाभास नहीं रहता, एक वो जो एक दूसरे के साथ झगड़ने की होती वो नहीं होती। आप ये समझते हो कि हाँ ये ऐसा ही है, इसके ये ही एलिमेंट है, ये ऐसा ही रहेगा। जैसे ये आप आम हो, सामने वाला करेला है, आप ये सोचते हो कि मैं इसको इतना प्रेम दूंगा, मैं इतना प्यार करूंगा, ये व्यायाम हो जा, नहीं होगा। वो करेला है, करेला रहेगा, और उसके भी अपने गुण है, वो बेनिफिशियल है, पर उसको बदलना नॉट पॉसिबल। अगर उसको बदलते हो तो आप पीड़ा में हो और सामने वाला भी पीड़ा में है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि हम गेट ओके विद आवरसेल्फ एंड अदर, दूसरों की और अपने साथ भी ओके हो जाओ। ये तो ये मटेरियल है, ये ऐसा रहेगा, मैं ये हूँ, तो अपने साथ भी ओके और दूसरों के साथ संभाव बैलेंस के, तब आप नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करते हो, भगवान से, गॉड से और अपने परम से कनेक्ट करते हो। नॉर्थ ईस्ट क्लियर। उसके बाद है ईएनई, जब आप खुद के साथ ओके हो जाते हो ना, तो उसके बाद आप चाहते हो कोई मेरा दोस्त बने, प्यार का, दोस्ती का संबंध चाहते हो, वो ईएनई से मिलता है, दोस्ती का संबंध, ईएनई दोस्त, दोस्तों से रिलेशनशिप देखा था। जिसका ईएनई बैलेंस है ना, उसके दोस्त भी बड़े बढ़िया पाओगे, वो हमेशा उसके साथ रहेंगे, दोस्त भी पाओगे खूब सारे। ईस्ट का जोन देता है आपके रिश्ते कैसे हैं, समाज के साथ, सोसाइटी के साथ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी सरकारी लोगों के साथ आपके कैसे संबंध है ना। साउथ वेस्ट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जोन है साउथ वेस्ट। बेसिकली हम इसी से कंसीडर करते हैं रिलेशनशिप को, साउथ वेस्ट से, पेरेंट्स, स्पाउस, सिबलिंग्स, चिल्ड्रन, कस्टमर, पार्टनर, सब कुछ आ गया इसी के अंदर। जो ये घूम घूम का इतना बहुत है 16 जोन का, वो एक इसमें समा गया सारा। ये आपके माता पिता का, आपके जिससे आपका विवाह हुआ है उसका, सिबलिंग्स आपके भाई बहन का, बच्चों का, आपके कस्टमर का, पार्टनर का, सभी के साथ संबंध इस जोन से गवर्न होते हैं। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जोन है। अगर ये फिट है ना, तो सब कुछ फिट है। जो आपके पारिवारिक संबंध, तो ये रिलेशनशिप ना गवर्न करा, जब ये बेटर है तो आप आउटपुट भी बेटर ही दे पाओगे। इसलिए दूसरा ये हमारे पितर का स्थान है, हमारे जो जिनका डीएनए हम कैरी करके आ रहे हैं, अब तक जिन्होंने हमें जीवित रखा है, आज तक हम इस दुनिया में है, उन्हीं के दम पे है, ये उनका स्थान भी है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ये जोन। वेस्ट साउथ वेस्ट का जोन स्किल का, विद्याभ्यास का, मतलब आपकी जो स्किल है उसकी एक्सरसाइज, उसको आप कितना तीखा करते हो, कितना प्रखर करते हो, वो ये जोन गवर्न करता है। तो टेक्निकल लोग जो जो स्किल्ड लोग है और जो आपका स्टाफ है, उनसे आपका कैसे संबंध हो गया, वो ये जोन बताएगा। वेस्ट को गुरु स्थान भी कहा गया है, क्योंकि वेस्ट जब हम कहेंगे कि हमने अपने गुरु का, जैसे रेमेडी के तौर पर हम गुरु का चित्र लगाओगे, कहेंगे वेस्ट में लगा लें, क्योंकि वेस्ट है हमारे गुरु का, टीचर का और दोस्तों का। क्योंकि ये जब गुरु क्या देता है, गुरु ज्ञान देता है, दोस्त वो हमने सपोर्ट करेंगे, हमने अंदर तक इनलाइटेड फील कराएंगे, तो वो एक रिलेशनशिप के संदर्भ में वो चीज गेंस को हमारे को वो ऊपर बढ़ा के लेके जाएगी, ऊपर लेके जाएगी। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है काउंसलर्स का। काउंसलर्स क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं हमें, किसी पीड़ा से बाहर निकाले, उनकी बातें होती है वो उसे पेन पॉइंट से हमें निकाल लेते हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है डिप्रेशन का और वहां पर है काउंसलर, तो किसी पीड़ा से बाहर निकालने के लिए काउंसलर्स वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से आते हैं। और अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बैलेंस है, तो हमें जो ये काउंसलर या इस तरह के लोग जिनसे हमें इस तरह की सलाह की जरूरत, वो हमें ठीक मिल जाएंगे, अदरवाइज वो गोल गोल घुमाने वाले इस प्रकार के लोगों से पड़ा पड़ेगा। नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट का जो, बैंक से कैसे रिश्ते होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, यानी जो लोग आपको आर्थिक रूप से सहायता करेंगे, और वर्क पार्टनर, वो उनसे आपका कैसा रिश्ता होगा, जिनके साथ आप काम कर रहे हो, या बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपके कैसे रिलेशन होंगे, वो ये नॉर्थ वेस्ट का जोन है, ये गवर्न करता है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट सेक्स पार्टनर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अट्रैक्शन का जोन है। नॉर्थ का जोन का एट्रीब्यूट क्या है, न्यू अपॉर्चुनिटी की, नए अवसरों का, नए अवसर मिलेंगे कैसे, कस्टमर के रूप में, क्लाइंट के रूप में, वो कैसे होंगे, वो आपका नॉर्थ बताएगा कि आपके कस्टमर कैसे होंगे। अगर वो बैलेंस है, तो कस्टमर आएंगे और माल भी खरीदेंगे,
अगर नॉर्थ इम्बैलेंस है तो कस्टमर से आ भी जाओ तो सामान नहीं मिलेगा, प्रॉफिट कुछ नहीं होगा ना कुछ होगी। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का जोन है वो आपका हीलर्स का है, डॉक्टर्स का है। अगर ये जोन बैलेंस होगा, आपके जो भी हीलर कोई भी हो सकता है, अगर ये बैलेंस है तो अच्छे लोग मिलेंगे इस फील्ड के आपको। अगर ये इम्बैलेंस है तो सही हीलर या डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा रिलेशनशिप के संदर्भ में।